अज एक बार फिर बी आर टैट पास यूनियन अध्यापकों वालों बेरोजगार अध्यापकों वालों सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह की कोठी का घिराओ किया गया। साढ़े बहुत सारे साथी एक बैरीगेड में तुर के अगे पहुँच चुके हैं जिथे कि होर पुलिस का बैरीगेड लग्या होया। उस तो बाद कुछ बैरीगेड एक पिछे भी लगे हुए पुलिस का कुछ साथी उत्थे बैठे असीं उन्हां दी उड़ीक कर रहे हैं ताकि वह जदों भी आन जल्द तो जल्द आन वो वाला पिछे वाला बैरीगेड तोड़ के तो उस तो बाद अगे वाला बैरीगेड तोड़ के एंटर होया जाए। असीं उदों तक ही इत्थे बैठे हैं जदों तक ही है साड़ियां मंगां दा पूर्ण हल नहीं हुंदा ते असीं अज प्रगट सिंह की कोठी का घिराओ करके तो इश्तहार लैके उठांगे नहीं तो असी जिन्ना तक वो साडा इश्तहार जारी नहीं करते असी उहदी कोठी के सामने ही बैठे रहांगे। सारे केडर की यही अपील है इस रुजगार नूं लैके साडे दो साथी मनीष फाजिलका ते जसवंत कमाया पिछले लंबे समय तो पहला संगरूर पानी वाले टैंकी चढ़े हुए थे उदों उस तो बाद सिक्ख्या मंत्री प्रगट सिंह दे शहर जलंधर पानी वाले टैंकी बस स्टैंड ते चढ़े हुए हैं ते घर बैठे केडर नूं अपील है कि जल्दी तो जल्दी जलंधर पहुँचन ता जो कि है हिंदी पंजाबी SST बी एड के दूजे सबजैक्टा दोस्टा का इश्तहार जल्द तो जल्द जारी करवाया जाए। तो अज भी पुलिस नाल बहुत सारी धक्का मुक्की हुई है इस धक्का मुक्की के भैन बीबिया की हैगी है पूरी बेइज्जती की बेइज्जत किया गया उन्होंने पुलिस वालों की है जेंट्स पुलिस वालों भी बीबिया धक्के मारे गए तो उन्होंने बेइज्जत किया गया जो कि एक बड़ी माड़ी गल है। इसलिए साड़ी भी इस घर बैठे सारे केडन रिक्वेस्ट है कि वो जल्द तो जल्द जलंधर पहुँचे और सरकार ने भी अपील है क्योंकि अगर पोस्टा का SST पंजाबी हिंदी का नोटिफिकेशन जारी करे तो यह साडा धरना उदों तक ही चलेगा जदों तक इश्तहार जारी नहीं होंगे।